बिस्मिल रही तो वी आर डूइंग डेरिवेटिव्स। इसमें हमने कहा था कि दे आर मैनी टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स एंड अगेन दे आर कैन बी बेस्ड ऑन मैनी अंडर तो वन ऑफ द की कोर टाइप ऑफ डेरीवेटिव इज फॉरवर्ड्स फॉरवर्ड्स क्या हैं ये एक डेरिवेटिव का टाइप का नाम है इसका वैसे मतलब ये होता है टाइम टू कम लेकिन हम यहाँ पे स्पेसिफिक नाम से रिलेटेड हैं सो वील बी लर्निंग वॉट इज़ इट अबाउट इसमें कुछ नई टर्म्स आएंगी आई विल गो अब इट स्लो सो यू कैन ईजीली ग्रास्प इट अगेन इसको हम थोड़ा सा टाइम के साथ इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे विल डू द एग्जाम्पल सो यू शुड नॉट नीड टू वरी अबाउट इट फॉरवर्ड कॉन्ट्रेक्ट इज एन ओवर द काउंटर डेरेवेटिव इसको मैं बताता हूँ अभी क्या होता है इन विच टू पार्टीज एग्री डाट वन पार्टी विल बी द बायर वेल परचेज एन अंडर लाइंग एसिड्स फ्रॉम एन अदर पार्टी द सेलर

पीरियड का हो सकता है इसको हम कहते हैं ओवर दी काउंटर यानी कि इट्स अदर वे राउंड ऑफ स्टैंडर्डाइज तो स्टैंडर्डाइज का रिवर्स है ओवर दी काउंटर तो इसमें एक पार्टी कह रही है कि मैं ये एक प्रोडक्ट खरीदूंगी एक फ्यूचर डेट पे जाके और दूसरी पार्टी एग्री कर रही है कि मैं ये आइटम बेचूंगी जो खरीदने वाली पार्टी होती है इसको हम लॉन्ग कहते हैं और जो बेचने वाली पार्टी है इसको हम शॉर्ट कहते हैं ये आप ब्रेन में रखिएगा हम इन टर्म्स को रिवाइज भी करेंगे डिस्कस भी करेंगे और दीज आर द की एरियाज बाकी हमने पहले बात की थी कि कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस भी होनी चाहिए और सेटलमेंट का मैकेनिज्म भी पहले ही तय होना चाहिए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अंडरलाइंग एसेट टाइप एंड क्वान्टिटी टू बी ट्रेडेड मैनर इन विच कॉन्ट्रैक्ट विल बी एग्जीक्यूटेड और सेटल वेन इट्स एक्सपायर के कैसे किस क्वान्टिटी की बात हो रही है और कब ये कॉन्ट्रैक्ट मेचोअर होगा अ फिक्स प्राइस कॉल्ड द फॉरवर्ड प्राइस जो इसमें जो की वर्ड है दैट इज़ फॉरवर्ड प्राइस एट विच अंडर लाइंग विल बी एक्सचेंज कि इनका आपस में जो ट्रांजेक्शन होगी फ्यूचर डेट में वो इस रेट पर होगी ये आज बैठ के हम तय कर रहे हैं कि तीन महीने बाद नवे दिन बाद साल बाद जिस टाइम के बाद भी इस रेट पर यह ट्रांजेक्शन होनी है कि बेचने वाला इस रेट पर बेचेगा और ख़रीदने वाला इस रेट पर खरीदेगा पे ऑफ़ फिर हमें इसका पे ऑफ निकालने की जरूरत है हमने बात की थी कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स कैश सेटल होते हैं कुछ एक्चुअली डिलीवरी बेस्ड होते हैं डिलीवरी में तो हमने कह दिया कि चीज़ ही मिल जाएगी कैश सेटलमेंट में क्या होगा जो गेन लॉस होगा उसकी ट्रांजेक्शन होगी स्पॉट प्राइस स्पॉट प्राइस क्या होती है किसी भी चीज़ की करंट प्राइस उसको हम डिनोट कर देते हैं एस नॉट से और फ्यूचर के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे कि वट विल बी द प्राइस सेट एट द टाइम टू कम वो हमने उसकी फॉरवर्ड प्राइस एग्री कर ली तो एक गई उसकी चीज़ की स्पॉट प्राइस अभी क्या है एक उस चीज़ की हमने फ्यूचर प्राइस एग्री कर ली एक उसकी प्राइस होगी एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी या सेटलमेंट के टाइम पे ये क्या हो इसको घबराना नहीं है हमने इसकी भी डिस्कस करनी है एग्जाम्पल्स करनी है तो ये काफ़ी ईजी आउट हो जाएगा हमारे लिए पे ऑफ़ कैसे निकलती है एक्सपायरेशन पे एस टी यानी कि फ्यूचर जो टाइम अगला मेचोरिटी का टाइम है उस टाइम पे स्पॉट प्राइस क्या है माइनस फॉरवर्ड प्राइस कि उस वक़्त क्या रेट है और हमने किस रेट पे उससे गेन लॉस का पता चलेगा एक्सेप्ट इन एक्सट्रीमली रेयर इवेंट द अंडरलाइंग प्राइज इक्वल अ फॉर प्राइस वन पार्टी विल पे एन अदर तो ये क्योंकि दो पार्टीज के दरम्यान में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो एक पार्टी वो पे कर रही होगी दूसरी पार्टी वो रिसीव कर रही होगी हो सकता है बेचने वाले को कभी फायदा होगा हो सकता है कभी खरीदने वाले को फायदा होगा क्योंकि हमें यह नहीं पता कि एक्चुअल प्रोडक्ट की मार्केट में मूवमेंट क्या होगी एग्जाम्पल हम करते हैं इससे जरा हमें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी Barbara नेक्स agrees to buy one kg of gold in 90 days at a price of 38,000. ये एक डील हो रही है कि हम 90 दिन के बाद एक के जी गोल्ड परचेज करेंगे थर्टी एट थाउजेंड डॉलर्स का ये एक लॉ ये अब थर्टी एट थाउजेंड क्या है फॉरवर्ड प्राइस और वो किस से ख़रीदेंगे पी एम मेटल से जो कि अब हम जो बार्ब्रा है ये लॉन्ग है यानी कि वो बाय करेगी और जो पी एम मेटल्स है वो सेल कर रही है वो शॉर्ट है आफ्टर 90 डेज द स्पॉट प्राइस ऑफ गोल्ड इज थर्टी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड हमने कितने पे लॉक किया था अठतीस हजार पे अब इस वक्त रेट क्या है अठतीस हजार पाँच सौ अब आप लोग मुझे बताएं कि, कि किसको फायदा होगा बेचने वाले को या खरीदने वाले को खरीदने वाले को क्यों खरीदने वाले के पास राइट आ गया है कि वो अट्ठतीस हजार का खरीद सकता है और मार्केट में इस वक्त रेट कितना हो गया 38,500। हज़ार पाँच सौ तो इसका अगर हम डिफरेंस निकालना चाहें तो वो वी कैन ईजीली सी के हमारे पास थर्टी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड डिफरेंस ऑफ थर्टी एट थाउजेंड वी गेट द अमाउंट ऑफ फाइव हंड्रेड अब ये जो पार्टी लॉन्ग थी उसको फाइव हंड्रेड का गेन हो गया है और जो पार्टी शॉर्ट थी उसको फाइव हंड्रेड का लॉस हो गया इसीलिए इसको वर्ड यूज़ अक्सर किया जाता है जीरो सम गेम जीरो सम गेम क्या है एक को गेन है दूसरी पार्टी को लॉस है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैन बी सेटल्ड इन टू वेज ये हमने पहले बात की है अब ये फॉरवर्ड में स्पेसिफिकली आ जाते हैं कि वो कैश में डिलीवर किए जाते हैं जैसे अभी हमने बात की थी कि वो पाँच सौ डॉलर की जो शॉर्ट वाली पार्टी है वो लॉन्ग वाली पार्टी को पाँच सौ डॉलर दे देगी और वो कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो जाएगा और डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट में एक्चुअल चीज़ की बाइंग सेलिंग होती है अगर ये कॉन्ट्रैक्ट डिलीवरेबल होता तो उसमें क्या होता कि ये अंडर लाइंग एसिड की हैंड ओवर होती वो जो सेलर था वो पूरा वन के जी गोल्ड उनको देता और वो उसको प्रॉपर थर्टी एट थाउजेंड पे करते एंड देन दे कुड सेल इट इन द मार्केट फॉर थर्टी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड और पाँच सौ का गेन कमाता बायर लेकिन डिलीवरेबल hmm. कॉन्ट्रैक्ट था तो एक्चुअली ट्रांजेक्शन होगी जैसे मैंने अभी गंदम की बात की थी तो गंदम के कॉन्ट्रैक्ट में अगर फार्मर वगैरह ये डील करते हैं तो वो डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो कहते हैं जी हम आपको छः महीने बाद इतने टन गंदम सेल करेंगे इस रेट पर अब जो भी उस वक़्त रेट हो हमें उससे लिंक नहीं होगा जिसने खरीदने का कह दिया और जिसने बेचने का कह दिया वो दोनों उस पर पाबंद हैं कि हमने उस रेट पे उसको लॉक करना है और उसी रेट पे ट्रांजैक्शन होगी टेंडर लाइन विल बी डिलीवर्ड एंड द फॉरवर्ड प्राइस विल बी रिसीव यानी कि वो एसिड दे, दे देगा और दूसरा उसको रिसीव कर लेगा इन केस ऑफ कैश सेटल वो मामला ज़रा थोड़ा आसान होता है उसमें क्या होता है कि जो जिसकी पॉजिटिव साइड है दैट पार्टी विल बी रिसीविंग एंड एंड जिसकी नेगेटिव साइड है दर्ट पार्टी विल बी पेइंग और ये फॉरवर्ड में हमने बात की कि ये दो मेन मैकेनिज्म से रूट होंगे इसकी हम थोड़ी और एग्जांपल्स भी बात करेंगे बट पॉइंट जो रिमेंबर क्या है कि ज़ीरो सम गेम है एक पार्टी का गेन है और दूसरी पार्टी का वो लॉस है ठीक है जी विल बी डिस्कसिंग इट फर्दर इन मोर एग्जाम्पल्स एंड मोर मोड्यूल्स टू कम ठीक है थैंक यू